राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ मेंबर में से इस वीडियो में मैं राइट्स ऑफ मेंबर डिटेल्ड डिस्कशन करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 11 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिंक को क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और दूसरे भी लिंक्स हैं उनको भी क्लिक करोगे तो दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम राइट्स ऑफ अ मेंबर, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेंबर क्या होता है इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो पहले पिछले कुछ वीडियोस में आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके। सो इन शॉर्ट, मेंबर कौन होता है? जिसका नाम कंपनी के हेड ऑफिस में जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रहता है उसमें मेंशन्ड है। अब जब मेंबर बना है वो, तो उसके कुछ राइट्स हैं, कुछ जवाबदारियां हैं, कुछ लायबिलिटीज हैं। बट इस वीडियो में जो कोई भी मेंबर है उसको कंपनीज एक्ट ने कुछ राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है? कौन कौन से वो राइट्स हैं, लेट अस चेक आउट। राइट ऑफ एक्सेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना, ये बुक्स बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है बेटा। जो जर्नल और लेजर जो कंपनी के अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई भी मेंबर नहीं देख सकता। जर्नल और लेजर देखने का परमिशन इवन मेंबर को नहीं होता। व्हेन आई से बुक्स और डॉक्यूमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स जो कि ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो तो कोई भी देख सकते हैं। सो पहले तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो मेंबर कभी भी देख सकता है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स। और जब मीटिंग में शेयर होल्डर या मेंबर को नोटिस जाता है प्लीज कम फॉर द मीटिंग, उस मीटिंग के साथ एक एनुअल रिपोर्ट अटैच्ड रहता है, जो आने वाले वीडियोस में मीटिंग के चैप्टर में डिटेल समझाया गया है। उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये रहता है। सो इट मीन्स ये जो डॉक्यूमेंट है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो कभी भी देख सकता है, वो कंपनी में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी देख सकता है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स भी देख सकता है, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देख सकता है, पिछले मीटिंग के हुए हुए मिनट्स बुक, लेकिन सिर्फ जनरल मीटिंग के मिनट बुक, बोर्ड मीटिंग के मिनट बुक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो मेंबर नहीं देख सकता। और मीटिंग शुरू होने के 48 आवर्स पहले कंपनी को प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। प्रॉक्सी मतलब मैं मीटिंग में नहीं जा पा रहा हूं तो मैं किसी और को भेज सकता हूं। तो कंपनी को ये लिस्ट कौन कौन प्रॉक्सी आए हुए हैं वो दिखाना पड़ता है। तो मेंबर देख सकता है ये प्रॉक्सी लिस्ट, एब्सोल्युटली यस। कंपनी रिटर्न फाइल करती है विद द रजिस्ट्रार, ठीक है? एनुअल रिटर्न 30 जून से पहले फाइल करना होता है। क्या वो देख सकता है? द आंसर इज यस। सो लगभग सारे बुक्स अदर देन जर्नल, लेजर, कैश बुक, ये सब नहीं दिख सकता। बट इसके अलावा वो मालिक है कंपनी का, तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स अलाउड है। अब एक सवाल ऐसा आ रहा होगा आप लोग को कि वो जर्नल लेजर क्यों नहीं दिख सकता? नाउ कंपनी का जर्नल डे टू डे रिकॉर्डिंग होता है। रिलायंस के 30-32 लाख शेयर होल्डर्स है, हर कोई कंपनी के भीतर जाएगा जर्नल लेजर चेक करना है, तो अकाउंटेंट ठीक से रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करेंगे, डिले होगा, डिस्टरबेंस होगा, गलत गलतियां होंगी। इसलिए आप भाई फाइनल अकाउंट देखो, प्रोसेस मत देखो, ठीक है ना? जैसे खाना टेस्ट करो बट खाना बनाने की प्रक्रिया देखो मत। आप डोमिनोज के अंदर जाएंगे या कुछ जगह पे, वो लोग किचन के अंदर बताते हुए बहुत सीक्रेट रखते हैं, पब्लिक को नहीं दिखाते हैं। आप खाना एंजॉय करो, खाना बनाने का प्रोसेस मत देखो, नहीं तो डिस्टर्ब होगा शेफ इन लोग को, ठीक है? दूसरा, राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन।
अब क्या होता है, डायरेक्टर सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं, ये रूटीन डिसीजन है, सिंपल डिसीजन है, बट बड़े बड़े डिसीजन है, आप रजिस्टर्ड ऑफिस बदल रहे हो, जगह बदल रहे हो, कंपनी का नाम बदल रहे हो, ऑथराइज कैपिटल शेयर्स का बढ़ा रहे हो, कंपनी का ऑब्जेक्ट लॉस उद्देश्य ही बदल रहे हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव, जैसे टाटा ने जगुआर को खरीदा, एक्विजिशन कर रहे हो, या मर्ज कर रहे हो एक कंपनी दूसरे का, अभी एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा तो मर्ज कर देंगे एयर इंडिया को टाटा के साथ, ठीक है ना, या टाटा ने कोरस को खरीदा तो एक्वायर कर लिया, तुम सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट कर रहे हो या कंपनी को बंद कर रहे हो, ये सब फैसले डायरेक्टर नहीं ले सकते। डायरेक्टर ने रेकमेंड किया है, बट बोलते ना आखिरी थप्पा शेयर होल्डर्स लगा सकते हैं। सो मेजर कॉरपोरेट डिसीजन विल ऑलवेज बी टेकन बाय द शेयर होल्डर्स, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। हाँ, टेम्पररी डायरेक्टर ने एक रिजाइन कर दिया, ठीक है, और ऐसा सोचो कि अप्रैल का महीना है, डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, तो इमरजेंसी में मीटिंग नहीं बुला सकते, बाकी डायरेक्टर्स उसकी जगह पे एडिशनल डायरेक्टर या अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे। हाँ, फिर एनुअल जनरल मीटिंग में उसका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स कंफर्म करेंगे, बट जो मेजर कॉरपोरेट डिसीजंस का अधिकार मेंबर्स को होता है। अब सवाल यह है कि जब फंडामेंटल कॉरपोरेट डिसीजन लिया कहां पे जाता है, दो जगह पे लिया जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कभी भी बुलाया जा सकता है। तो बोलने का तात्पर्य है कि मेंबर्स कंपनी के मालिक है, कंपनी के हर मेजर डिसीजन लेने का अधिकार उनको है, डायरेक्टर्स कैन रिकमेंड, छोटे छोटे डिसीजन डे टू डे अकाउंट ये सब शेयर होल्डर्स के पास नहीं है, ये सब कंपनी के लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। तीसरा, राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। कंपनीज एक्ट 2013 दो जनरल मीटिंग की बात करते हैं, एक है एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक है एनुअल जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग का शॉर्ट फॉर्म ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग का शॉर्ट फॉर्म एजीएम। इस मीटिंग से पहले इस मीटिंग में मेंबर्स अटेंड कर सकते हैं, लेकिन एज अ मेंबर आपको कैसे पता चलेगा मीटिंग कब है? मीटिंग शुरू होने के 21 डेज पहले आपको ईमेल आ जाएगा, पहले नोटिस, इसको नोटिस बोलते हैं, पहले कागजी फॉर्म में आता था, अभी ईमेल में आता है। तो आपका हक है कि आपको नोटिस मिले। यदि कंपनी ने डेलिबरेटली आपको नोटिस नहीं भेजा है, डेलिबरेटली, क्योंकि आप बहुत डायरेक्टर से सवाल जवाब करते हो, तो यदि मीटिंग हो गया तो वो मीटिंग इनवैलिड माना जाएगा। गलती से कोई मेल आपको नहीं मिला या आपके स्पैम में चला गया, तो आप कंपनी को रोक नहीं सकते मीटिंग करते हुए। सो कोई भी मेंबर को जनरल मीटिंग अटेंड करने का परमिशन है, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का परमिशन नहीं है। बोर्ड मीटिंग सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अटेंड कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स उस बोर्ड मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकते। मीटिंग में आने से पहले जो आपको नोटिस दिया जाता है और आपका हक है एज अ मेंबर कि उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, टू अपॉइंट डायरेक्टर, टू अपॉइंट ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इन सबको एजेंडा बोलते हैं, जो कि पॉइंट्स है जो मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको नोटिस मिलने का अधिकार है, नोटिस के अंदर एजेंडा क्या क्या डिस्कस होगा वो आपको जानने का अधिकार है, मीटिंग अटेंड करने का अधिकार है। आप नहीं जा पा रहे हो तो आप किसी और को भेज सकते हो, जिसको टेक्निकल भाषा में प्रॉक्सी बोलते हैं, लेकिन प्रॉक्सी भेजने से पहले मीटिंग के 48 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले आपको कंपनी को प्रॉक्सी फॉर्म देना पड़ेगा, इन्फॉर्मिंग द कंपनी कि आप मीटिंग में नहीं आ पा रहे, आपकी जगह पे दूसरा इंसान अटेंड करने वाला है। आप मीटिंग में बोल भी सकते हैं, वोट कर सकते हैं, और यदि फैसला लेने की बारी आई और चेयरमैन ने बोला कि वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, जो भी इन फेवर है हाथ ऊपर करो, ठीक है ना,
लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं। आप चेयरमैन को बोलते हो हम खुश नहीं है, प्लीज डिमांड अ पोल। आप पोल मतलब क्या होता है? एक सीक्रेट प्रकार का वोटिंग रहता है जिसमें आपको A4 साइज का कागज मिलेगा, आपका नाम, कितने वोट्स आप देना चाहते हो, वो सीक्रेटली तरीका है वोटिंग का जिसको पोल बोलते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है पहले शो ऑफ हैंड्स हो, उसके बाद ही पोल, डिमांड किया तो रखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप शेयर होल्डर हो, मीटिंग खत्म हो गया, आपको डिविडेंड यहां पे आई डोंट नो दिया है कि नहीं, राइट टू रिसीव डिविडेंड नहीं दिया है, आपको डिविडेंड भी मिलने का अधिकार है, आपको अधिकार है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो आपको डिविडेंड मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो आपको पूछने का अधिकार है कि क्यों डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है। अच्छा, अब कंपनी रूटीन तरीके से चल रही है, बट आपको लगता है कोई इमरजेंसी मैटर है जिसको एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होता है। अब महीना चल रहा है फरवरी, एनुअल जनरल मीटिंग होएगा सितंबर में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीना दूर है। आपको लगता है कोई इमरजेंसी मैटर है, डायरेक्टर का मैनेजमेंट ठीक से हो नहीं रहा है, जैसे भारत पे का डायरेक्टर 2 महीने के लिए छुट्टी में चला गया है, कुछ तो कॉरपोरेट गवर्नेंस, कुछ तो मैनेजमेंट में कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है, तो आप इमरजेंसी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हो कि हम सितंबर तक वेट नहीं करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग का, अप्रैल में एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ। ये अधिकार है मेंबर का, जो वो खुद एक्सरसाइज नहीं करेगा, डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेगा, उसके लिए वोटिंग पावर लगता है उतना, उसके बाद ही बुला सकते हैं। कोई भी एक आदमी तो 32 लाख में से कोई भी बोलेगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। आई थिंक 10% ऑफ वोटिंग पावर चाहिए कम से कम। अच्छा, डायरेक्टर मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो मेंबर खुद मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे और सारा खर्चा डायरेक्टर और कंपनी को देना पड़ेगा, ये भी अधिकार है, यहाँ पे दिया नहीं बट मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव अ डायरेक्टर, डायरेक्टर का अपॉइंट जनरली एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। यदि कोई डायरेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको समय से पहले हटाने का भी अधिकार मेंबर्स को है, उसके जगह पे रिप्लेसमेंट करने का भी अधिकार मेंबर को है, जो कि वो वोटिंग करके डायरेक्टर को अपॉइंट या वोटिंग करके डायरेक्टर को हटा सकता है। ज्यादातर ये एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, लेकिन समय से पहले हटाना हो तो एनुअल जनरल मीटिंग को तो काफी टाइम है, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के वोट करके उस डायरेक्टर को 75% वोटिंग लगता है, 100 में से 75 वोट्स इन फेवर होने चाहिए कि हटाओ डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर को हटाया जा सकता है, ये मेंबर का अधिकार में आता है। पांचवा, राइट विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज अकाउंट्स एंड ऑडिट। नाउ अकाउंट्स में जो बुककीपिंग पार्ट है, जर्नल और लेजर, कैश बुक, ये मेंबर का अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मेंबर जर्नल चेक नहीं कर सकता, लेजर चेक नहीं कर सकता, सब्सिडरी बुक चेक नहीं कर सकता, कैश बुक चेक नहीं कर सकता, ये क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी है बुककीपिंग। बट जो अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता हूं तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिक उसमें आता है, हालांकि फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट अलग अलग बताते हैं, बट मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता हूं तो ट्रेडिंग उसमें ऑटोमेटिक आता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसको अधिकार है कि वो उसको मिले। एनुअल जनरल मीटिंग से 21 डेज पहले एनुअल रिपोर्ट आता है, उसमें उसको ये फाइनल अकाउंट्स मिल जाएगा, पूरा कॉपी बाकायदा कंपनीज एक्ट के तहत बनाना पड़ता है। अच्छा, ये अकाउंट्स तो हो गया, अपन नासिक में, कंपनी मुंबई में, कंपनी का अकाउंट मुंबई के अकाउंटेंट द्वारा बनाया जा रहा है, क्या गारंटी कि अकाउंट सही हो रहा है? तो एज मेंबर आपके पास अधिकार है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाए जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में जाकर कंपनी के अकाउंटेंट द्वारा बनाया हुआ अकाउंट्स को चेक करेगा और मेंबर आपको रिपोर्ट करेगा। सो ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, कंपनी के लिए ऑडिट कंपलसरी है, वो ऑडिट
चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के अकाउंटेंट द्वारा बनाए हुए अकाउंट्स को चेक करेगा और मेंबर्स को रिपोर्ट करेगा कि क्या कंपनी का अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है कि नहीं। तो ये एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसको ऑडिटर्स रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट होता है। तो जो डायरेक्टर और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, ये मेंबर का हक है कि उनको अपॉइंट करना और उनको जो पगार देना, कितना पगार देना, ये सब ऑडिटर का, मेंबर्स का राइट्स में आता है। एट द सेम टाइम कोई ऑडिटर का काम ठीक से हो नहीं रहा है तो मेंबर उस ऑडिटर को हटा भी सकते हैं, लेकिन हटाने से पहले ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन बोलने का, लिखित फॉर्म में प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है। कोई भी डायरेक्टर को समय से पहले हटाया जा रहा है तो डायरेक्टर को भी तो बोलने का अधिकार है, मेंबर ऐसे ही थोड़ी गोली मार सकते हैं कि भाई तू बाहर चले जा। तो ऑडिटर और डायरेक्टर जिसको समय से पहले हटाया जा रहा है, जो भी कारण होगा, मेंबर्स जो फिट समझते हैं, लेकिन वो ऑडिटर और डायरेक्टर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे जो उस नोटिस के साथ अलग से जोड़ा जाएगा कि उनका क्या कहना है, मतलब उनके डिफेंस कि भाई हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, जो भी पॉइंट्स वो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, छठवा, राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एक मेंबर ने कंपनी को शेयर कैपिटल का पैसा दिया, उस पैसे से कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अब आप उसी शेयर होल्डर ने बैंक में एफडी में फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा किया होता तो बैंक उसको इंटरेस्ट दे रहा होता। अभी मेंबर ने कंपनी को शेयर्स का पैसा दिया है तो कंपनी ने भी तो रिटर्न्स में कुछ देना चाहिए। तो इस प्रॉफिट में से मैं एक लाइव एग्जांपल लेता हूं। एक कंपनी का शेयर कैपिटल है 100 करोड़, वो 100 करोड़ शेयर होल्डर्स ने दिया, वो 100 करोड़ का पैसा धंधे में लगाकर 25 करोड़ कंपनी ने कमाया। उस 25 करोड़ में से 10 करोड़ कंपनी रिटर्न्स देगी शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में। सो राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज नथिंग बट राइट टू रिसीव डिविडेंड। ये डिविडेंड डिक्लेयर होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। डिविडेंड के डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर मेंबर को डिविडेंड मिल जाना चाहिए। अब इसका पूरा प्रोसेस 12th में है, डिविडेंड चैप्टर है अलग से। इन्होंने एक और चीज, बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया इस पॉइंट में जो मैं बोलना चाहता हूं, वो पॉइंट है बोनस शेयर्स। अगेन ये 12th में है लेकिन उसका रेलेवेंस इधर आता है इसलिए बता रहा हूं। एज मेंबर यदि कंपनी ने बहुत ज्यादा नफा किया तो कंपनी डिविडेंड के बजाय आपको फुकट के शेयर्स दे सकती है, बाय वन गेट वन फ्री है ना। आपके पास 100 शेयर्स है और कंपनी बोलती है 1:1 बोनस फ्री है दे रहे हैं, तो आपको 100 शेयर पे 100 शेयर्स फुकट के मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। तो यहां पे एक और पॉइंट बोल सकते हो कि राइट टू रिसीव बोनस शेयर्स। ठीक है, बोनस शेयर्स फुकट में डिविडेंड के रूप में दिया जाता है ना, कंपनी आपको कुछ पे करती है ना आप कुछ कंपनी को पे करते हैं, तो आपको फ्री शेयर्स कंपनी देती है क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा किया है या रिजर्व्स कंपनी का बहुत ज्यादा है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन 12th में होगा तो अभी मैं दे नहीं रहा हूं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है जो उन लोगों ने बोलना चाहिए था, जो उन्होंने बस शब्द यूज किया है वो मैं जोड़ना चाहता हूं। मतलब यहां पे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया। पॉइंट नंबर 7 क्या बोला, बोनस शेयर्स। मैं इसका कलर चेंज कर दूं पेन का, ये नंबर 7 बोनस शेयर्स, राइट टू रिसीव बोनस शेयर्स, राइट टू रिसीव बोनस शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कंपनी बहुत ज्यादा नफा कर रही है तो फुकट के शेयर्स दे सकती है, और इसमें
मैं एक और पॉइंट जोड़ूंगा, अगेन वो 12th का पॉइंट है, लेकिन शेयर होल्डर से मेंबर से संबंधित है, इसलिए राइट सेम, ये सेम, ये सेम, राइट टू रिसीव राइट्स शेयर, RIGHTS। अब राइट शेयर और बोनस शेयर में एक फर्क है, बोनस शेयर में कंपनी आपसे कुछ पैसा लेती नहीं है, फुकट का आपको शेयर देती है। अब रिलायंस ने क्या किया था पिछले साल, रिलायंस ने रिलायंस का 2.5 लाख करोड़ का कर्जा था, उनको ये कर्जा लौटाना था, मतलब उनको पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला कि हम नए शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। अब रिलायंस ने 30-40 साल पहले शेयर्स मार्केट में लाया था, जिसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब एग्जिस्टिंग, अब और शेयर्स लाना है तो रिलायंस पब्लिक में नहीं जा सकता, पहले उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बीवाई के कॉलेज का 12th का जो पास स्टूडेंट रहता है, 12th पास होने के बाद FY BCom में जो एडमिशन होते हैं, पहले बीवाई के कॉलेज के ही 12th के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दिया जाता है, सीट्स बचे हैं तो बाहर के कॉलेज को। उसी प्रकार से रिलायंस को जो एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर का पैसे की जो जरूरत है, वो ऑफर उनको पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, उसको राइट शेयर बोलते हैं। पर राइट शेयर में शेयर होल्डर को कुछ पैसा देना पड़ता है, बट ये राइट शेयर बहुत अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि यदि मार्केट प्राइस रिलायंस का चल रहा है 1400, तो आपको 1200 में देंगे, सस्ते में देंगे, तो राइट शेयर आप खरीद के 1-2 महीने बाद बेच दो। तो इस प्रकार से बोनस शेयर, मतलब फुकट के शेयर्स, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे सकती है, आपका हक है मिलने का, और आपका हक है कि यदि कंपनी को एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है और वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू इश्यू करना चाहती है, तो वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ऑफर देंगे, तो उसको राइट्स बोलते हैं, राइट्स इश्यू या राइट्स शेयर बोलेंगे। अगेन ये 12th में है, बट आपका मेंबर का हक है, राइट है, बोनस शेयर्स के लिए। ये रहा बोनस शेयर्स और ये रहा राइट शेयर, ठीक है ना, दोनों को मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, राइट शेयर और बोनस शेयर, ये रहा राइट्स और बोनस। अच्छा, इसमें एक और है राइट, यदि आप शेयर होल्डर हैं, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो आपका हक है कि आपको आई कार्ड मिले। उसी प्रकार से यदि आपने कंपनी के शेयर्स लिए, तो प्रूफ किया है कि आपने कंपनी के शेयर्स लिए, कंपनी को आपको शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जैसे आपका आई कार्ड होता है। तो शेयर सर्टिफिकेट एक जमाने में फिजिकल फॉर्म में, जैसे आपका मार्कशीट होता है रंगीन, वो कागजी फॉर्म में आता था, वो आपको बाकायदा आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके घर पे आ जाता था। लेकिन आजकल कागजी फॉर्म में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर बाजार को कंट्रोल करती है, उन्होंने कागजी फॉर्म को बैन कर दिया, क्योंकि चोरी हो जाना, डुप्लीकेट बनना, गुम जाना, गलत आदमी को पहुंच जाना, फट जाना, खराब हो जाना, गीला हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स शेयर सर्टिफिकेट का होता है, पुराना हो जाना। तो आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट हो, हर आपको यदि शेयर्स का अकाउंट खोलना है, तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो कंपनी जो शेयर सर्टिफिकेट देगी, आपको ऑटोमेटिक डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, जैसे आपको मैसेज आ गया। उसी प्रकार से फ्री शेयर्स देगी, वो भी आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपका हक है कि जब आपने कंपनी को शेयर्स के पैसे दिए और कंपनी ने आपको शेयर्स दिए, तो एज अ प्रूफ आप शेयर होल्डर हो, आपको शेयर सर्टिफिकेट आपके डीमैट अकाउंट में कंपनी का भेजने का कंपल्शन है, और आपका वो हक है, आपको मिलना। अच्छा, आपको रिलायंस का शेयर होल्डर बनना नहीं है, आपने खरीदा, आपके डीमैट अकाउंट में रिलायंस के 100 शेयर है, बट अभी आपको पैसों की भी जरूरत है, और आप शेयर होल्डर मेंबर रिलायंस के बन नहीं रहना चाहते, आप महिंद्रा के शेयर खरीदना चाहते हो, तो क्या आप ये शेयर्स बेच सकते हो? द आंसर इज यस। शेयर बाजार में आप बेचोगे थ्रू अ ब्रोकर, कंपलसरी है, दलाल शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ये सब ब्रोकर है, कोटक, HDFC, SBI, ये सब ब्रोकर्स भी हैं। तो इनके थ्रू आपने 1000 शेयर बेच दिए, यदि 2000 दाम चल रहा है, तो 2 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, तो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर चला जाएगा, ट्रांसफर कर दिया आपने, उसके कंसिडरेशन में आपको पैसा मिलेगा। इसको 2 दिन लगता है, मंडे को बेचा तो बुधवार शाम को
आपके डीमैट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आता है और थर्सडे दोपहर को आपको ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब मंडे को आपने शेयर्स बेचा तो बुधवार को आपके खाते से शेयर चला जाएगा और पैसा बुधवार शाम को आके थर्सडे को, मतलब T+2 और थर्ड डे, आज मंडे है तो थर्सडे को आपको पैसा मिल जाएगा, ये आपका हक है। आगे चलकर T+1 भी हो सकता है कुछ साल में, ठीक है। सो आप शेयर सर्टिफिकेट मिलने का हक है, बेचोगे तो आपका शेयर सर्टिफिकेट डीमैट अकाउंट से चला जाएगा। फुकट के शेयर्स जिसको राइट बोनस शेयर्स, या पेइंग शेयर्स जिसको राइट शेयर, एक्स्ट्रा शेयर्स आपको खरीदने हैं तो कंपनी आपको ऑफर करेगी। आठवां, राइट टू रिसीव सरप्लस एसेट्स। लेट अस टेक वन एग्जांपल, कंपनी का शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, कंपनी बंद हो गई है, और बंद हो गई है तो जमीन सब बेच के कंपनी को मिला 150 करोड़। 100 करोड़ का कर्जा था, कंपनी ने लौटा दिया, आपको अपने शेयर्स के पैसे मिल गए, बट ऊपर से 50 करोड़ भी मौजूद है, जो एक्स्ट्रा जमीन का दाम तो ज्यादा ही मिलता है। ये 50 करोड़ में आपको कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 1 करोड़ शेयर होल्डर है, तो हर शेयर के पीछे 5 रुपए मिलता है। आपके पास 1000 है, तो आपको 1000 शेयर का पैसा ओरिजिनल मिल गया, प्लस 5 रुपया पर शेयर जो एक्स्ट्रा कंपनी को मिला है 50 करोड़। आपके पास 1000 शेयर है, 1 करोड़ शेयर्स है, 50 करोड़ रुपया मिला एक्स्ट्रा, तो 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 5 रुपया। आपके पास 1000 शेयर है, 1000 × 5, आपको 1000 × 10 यदि शेयर का दाम है तो आपको 10,000 तो मिला ही होगा, प्लस ये जो सरप्लस एसेट से बेचने के बाद एक्स्ट्रा, मतलब वो वाली बात है, आपका बर्थडे पार्टी है, आपने 2 किलो केक का ऑर्डर किया, सब लोग आए फ्रेंड्स, और 1.5 किलो केक खत्म हो गया, सब खा के चले गए, सब गए, बाकी जो 500 ग्राम का केक बचा है आप देखते हो इधर उधर, किसी का नहीं, तो भाई अपना मस्त ब्लैक फॉरेस्ट केक खाओ खुशी से, क्योंकि सब लोग चले गए, आखिर का केक तो आपका ही बचा। तो कंपनी के मालिक मेंबर होते हैं, सब लायबिलिटीज पे करने के बाद अभी भी पैसा बचा, वो किसका है? मेंबर्स का है, जितने शेयर है उतना मिल जाएगा, ठीक है ना। सो आपको सरप्लस एसेट्स कंपनी के बंद होने के बाद, लायबिलिटीज पे करने के बाद जो भी लास्ट का बचता है वो मेंबर्स को मिलता है। राइट टू क्लास एक्शन सूट, ठीक है। अब ये सूट होता क्या है? यदि आपको लगता है कि कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया है, या एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग है, या ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी थी जो बंद हो गई अभी, सत्यम नाम था, उसको महिंद्रा ने बाद में खरीद लिया। उन्होंने, उनका जो फाइनल अकाउंट्स था उसमें दिखाया था कि बैंक में कैश कैश और बैंक मिलकर उनके पास थे 5,000 करोड़, जबकि एक्चुअल थे 50 करोड़ ही, 50 से 60 करोड़। जब वो लोग पगार नहीं दे पाए तो हंगामा हो गया, तो पता चला कि कंपनी का पूरा अकाउंट्स गलत तरीके से बनाया गया। तो मेंबर्स को हक है ऑडिटर पर केस करना, डायरेक्टर्स पर केस करना, कंपनी पर केस करना। यदि 10% से ज्यादा आपके पास वोटिंग पा रहे तो आप ट्रिब्यूनल भी जा सकते हो, और बोल भी सकते हो कि कंपनी को बंद कर दो, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट इस प्रकार से चल रहा है जो पूरा झूठ और गलत तरीके से हो रहा है। तो ये मेंबर के पास पूरे तरीके से हक है कि वो लोग केस कर सकते हैं कंपनी को, लेकिन कुछ तो फ्रॉड या कुछ तो गड़बड़ियां या तो कुछ मिस किया है कंपनी ने, या कुछ ऑडिटर रिपोर्ट में नेगेटिव आया है कि ऑडिटर खुद बोल रहे हैं हमको ठीक से अकाउंट दिखाया नहीं गया, तो आपको हक है डायरेक्टर पर केस करना कि क्यों नहीं दिखाया गया। कंपनीज एक्ट 2013 में ऑडिटर को पूरा राइट दिया गया, वो कभी भी कंपनी में जा सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है, किसी से भी मांग सकता है, कभी भी मांग सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, कोई भी लोग ऑडिटर को रोक नहीं सकते, एंट्री से, डॉक्यूमेंट्स चेक करने से, बुक कीपिंग से, सब कुछ ऑडिटर के पास राइट है। और ऑडिटर को नहीं दिया गया तो वो ऑडिटर रिपोर्ट में नेगेटिव रिपोर्ट देगा, जिसको टेक्निकल भाषा में क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं, वो क्वालिफाई कर देगा कि भाई हम सेटिस्फाइड नहीं है। अब ये रिपोर्ट जाता है शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, मेंबर्स चैलेंज कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं कंपनी पर, ठीक है। सो ये आपके राइट्स थे एज मेंबर कि आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, आपको नोटिस, ईमेल सब बराबर टाइमली आता है। और एक और है, आपके ऑटोमेटिक खाते में पैसे चले जाते हैं,
बोनस शेयर ऑटोमेटिकली आपके खाते में आ जाते हैं, ये सब आपको हक है। पहले मुझे चेक आता था डिविडेंड का, फिर मुझे बैंक जाना पड़ता था, वो जो चेक आता था उसको टेक्निकल भाषा में डिविडेंड वारंट बोलते हैं, 12th में वो है। लेकिन आजकल ये चेक की प्रथा, डिविडेंड वारंट की प्रथा बंद हो गया है, ऑटोमेटिक ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। आपको फुकट के शेयर्स कंपनी ने दिया डिविडेंड के रूप में, पहले कागजी फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट आता था, अभी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिकली आपके डीमैट अकाउंट में शेयर सर्टिफिकेट आ जाते हैं। ये सब आपका हक है, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक्स्ट्रा वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।